हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है। पहले तीन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहां से चेक कर लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द रिव्यू कमिटी अपॉइंटेड बाय द यूजीसी इन 1961 टू इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। पुस्तकालय शिक्षा की स्थिति की जाँच के लिए 1961 में यूजीसी द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी एन कोला, पी बी मंगला, सी आर करिसिडप्पा या एस आर रंगनाथन। द करेक्ट आंसर इज डी, एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? टी टेस्ट, साइन टेस्ट, ची स्क्वेयर टेस्ट या रन टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ए, टी टेस्ट। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना परीक्षण की विधि नहीं है? ची स्क्वेयर टेस्ट, जेड टेस्ट, सैंपल टेस्ट या ऑल द एबव। द करेक्ट आंसर इज सी, सैंपल टेस्ट। क्वेश्चन फोर, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप्ड बाय। मानव संसाधन के मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? डगलस मैकग्रेगर, एल्टन मायो, हेनरी फ्योल या एफ डब्ल्यू टेलर। द करेक्ट आंसर इज बी, एल्टन मायो। क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस दैट यूजुअली गैदर्स मेटाडाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज एंड क्रिएट्स अ यूनिफाइड इंडेक्स। उस सेवा का नाम क्या है जो आमतौर पर विभिन्न संसाधनों से मेटाडाटा एकत्र करती है और एक एकीकृत सूचकांक बनाती है? डायरेक्टरी सर्विस, डिस्कवरी सर्विस, रेफरेंस सर्विस या नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज बी, डिस्कवरी सर्विस। क्वेश्चन सिक्स, विच अमंग द फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कॉर्नेल विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था? फेडोरा, ई प्रिंट्स, डी स्पेस या ग्रीनस्टोन। द करेक्ट आंसर इज ए, फेडोरा। क्वेश्चन सेवन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एक्टिव टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे सक्रिय टोपोलॉजी माना जाता है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज बी, रिंग टोपोलॉजी। क्वेश्चन एट, विच काइंड ऑफ मेटाडाटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज रिप्रोडक्शन, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा। किस प्रकार के मेटाडाटा में पुनरुत्पादन, चयन, मानदंड, दस्तावेजीकरण आदि जैसी जानकारी शामिल होती है? टेक्निकल मेटाडाटा, बिहेवियरल मेटाडाटा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा या स्ट्रक्चरल मेटाडाटा। द करेक्ट आंसर इज सी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा। क्वेश्चन नाइन, द नंबर ऑफ सक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज। ज्ञान के ब्रह्मांड से इसकी व्युत्पत्ति का आधार बनाने वाली क्रमिक विशेषताओं की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ऑर्डर ऑफ एन अरे, ऑर्डर ऑफ अ क्लास, ओपन अरे या कोलेट्रल अरे। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑर्डर ऑफ अ क्लास। क्वेश्चन 10, द ऑथर ऑफ लिटिल साइंस बिग साइंस इज। लिटिल साइंस बिग साइंस के लेखक कौन है? एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर, ब्लेज क्रॉनिन, मार्टिया बेट्स या डेरेक डी सोला प्राइज। द करेक्ट आंसर इज डी, डेरेक डी सोला प्राइज। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू द स्टाफ फॉर्मूला विच सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नीड्स टू हैव वन पर्सन फॉर एवरी 50 रीडर्स यूजिंग द लाइब्रेरी इन अ डे ऑफ द ईयर। स्टाफ फॉर्मूला के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के किस अनुभाग में वर्ष के एक दिन में पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रत्येक 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए? सर्कुलेशन, रेफरेंस, मेंटेनेंस या सुपरवाइजरी।
द करेक्ट आंसर इज बी रेफरेंस सेक्शन. क्वेश्चन 12. द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय. किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा किस बात से लगाया जा सकता है. टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च या ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. द करेक्ट आंसर इज बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च. क्वेश्चन 13. विच रिसर्च मेथड इज मोर सुटेबल टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली. भौगोलिक दृष्टि से बिखरी हुई बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए कौन सी शोध पद्धति अधिक उपयुक्त है. एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, सर्वे या ऑब्जर्वेशन. द करेक्ट आंसर इज सी सर्वे. क्वेश्चन 14. हु डेवलप्ड द रिसर्च साइकिल इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल. रिसर्च साइकिल सूचना साक्षरता समस्या समाधान मॉडल का विकास किसने किया. फॉलेट, बर्कोविट्ज, मैकेंजी या डेविड लार्चर. द करेक्ट आंसर इज सी मैकेंजी. क्वेश्चन 15. इन बिग सिक्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल विच स्किल डिस्कसेस द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस. बिग सिक्स सूचना साक्षरता मॉडल में कौन सा कौशल ग्रंथ सूची उद्धरणों के लिए उपयुक्त उत्पाद की आलोचनात्मक सोच पर चर्चा करता है. इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन या लोकेशन एंड एक्सेस. द करेक्ट आंसर इज बी सिंथेसिस. क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेस. निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है. बायोग्राफी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया या गजेटियर्स. द करेक्ट आंसर इज सी एनसाइक्लोपीडिया. क्वेश्चन 17. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द डिडक्टिव मेथड. निम्नलिखित में से कौन निगमनात्मक विधि का समर्थक था. फ्रांसिस बेकॉन, क्रिश्चियन ह्यूगेंस, आइसेक न्यूटन या एरिस्टोटल. द करेक्ट आंसर इज डी एरिस्टोटल. क्वेश्चन 18. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सी डॉट. निम्नलिखित में से सी डॉट के संस्थापक कौन थे. सैम पित्रोदा, एपीजे अब्दुल कलाम, आर स्वामी या एस पी सुंदरम. द करेक्ट आंसर इज ए सैम पित्रोदा. क्वेश्चन 19. रिसर्च स्टेप्स टू सक्सेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वॉज डेवलप्ड बाय. सूचना साक्षरता का सफलता के लिए अनुसंधान कदम मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था. डेविड लॉर्चर, क्रिश्चियन सुजैन ब्रूस, रॉबर्ट ई बर्कोविट्स या सुंदर ह्यूज. द करेक्ट आंसर इज डी सुंदर ह्यूज. क्वेश्चन 20. एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी इज अ टाइप ऑफ पूर्वव्यापी अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है. डायग्नोस्टिक डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन या हिस्टोरिकल डिजाइन. द करेक्ट आंसर इज बी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.